जय हिंद दोस्तों, ये वाहेगुरु डेयरी है ताजपुर लुधियाना। अमित जी हैं और विशाल जी जो इसका संचालन करते हैं। बहुत अच्छी गाय दिखाते हैं, पिछली बार भी इन्होंने बहुत बढ़िया गाय दिखाई थी। और सबसे बड़ी बात है जो ज्ञान की बात करते हैं, आपके सुनने लायक हैं, तो आइए आज फिर बात करते हैं इनसे। नमस्कार जी, कहाँ के लिए जा रहे हैं? ये गुजरात सूरत गांव है चलथान, सुमुल डेयरी के अंडर जा रही है, केयर ऑफ सुमुल डेयरी। हाँ जी, कितनी गाय? 12 गाय। 12 गाय। हाँ जी, कौन आए? हाँ जी, जी। कुणाल भैया आइए। भैया नमस्कार। ज्ञान कितना पढ़े हैं आप? बीएससी एसआई किया हुआ है, सैनिटरी इंस्पेक्टर। अच्छा, बीएससी साइंस? बीएससी एसआई सैनिटरी इंस्पेक्टर। वैसे बताओ, समझाओ, हमको तो इतना ज्ञान नहीं है। बीएससी होके एसआई किया था, एसआई का कोर्स म्यूनसिपलिटी और समझो कभी नगर पालिका में एसआई का पोस्ट आता है। ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, सबका मैनेजमेंट और आरोग्य के लगता है, वो संलग्न उसका पोस्ट होती है। पर मैं जॉब नहीं करता, मैंने किया था। ये डेयरी में आ गए? डेयरी में पोस्ट तो नहीं है, काम कितनी है? पहले अभी 13 है। अच्छा, अब कितनी खरीदी है? अभी मैंने 12 खरीदी है। पहले कितना दूध होता है? मेरे पास पूरे दिन का 22 से 25 लीटर तक की है। अच्छा, टोटल कितना हो जाता है? टोटल पूरे दिन का मिला के 200 लीटर के आसपास रहता है। तो क्या अर्निंग क्या है? प्लानिंग अभी अर्निंग क्या है, क्या प्राप्त होता है महीने में? बोले तो कितना पैसा, लाभ कितना मिलता है? अच्छा, लाभ तो प्रॉफिट तो है, समझो एक टाइम का कॉस्टिंग निकाल लो, एक टाइम का नफे में जाएगा। पर अभी जो आए यहाँ पे, इस विजन यही है, प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा। तो आपने ट्रेनिंग वगैरह की था? ट्रेनिंग नहीं की। एक्चुअली एक साल से 2-3 जगह घूमे और हमारा सुमुल का भी प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, हमारे लिए प्रोत्साहन रहता है। सुमुल का जो भी चाहिए, जो अपना एक्सपीरियंस चाहिए, जो उनके पास लेना है, वो सब प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर पूरा AI पूरा सिस्टम उनका ओके है। फिर 100% देते हैं। दूध का रेट वहाँ पे 32 रुपये और समझो लास्ट के एंडिंग में वो कपाट मिला के 35 से 36 रुपये हो जाता है। तो प्रॉफिट वाला है, थोड़ा प्रॉफिट वाला है। तो ये जो गाय दिखा रहे हैं, क्या दाम लगाया आपने इसका? इसका 1.10 लगाया। 1.10 कितना दूध देगी? अमित भाई और सालू भाई ने तो बोला है 40+ देगी, पर हमारा गिनती 35 के आसपास ही है। थोड़ा संभालना भी है। तो सुना कि संभाली बड़ी अच्छी होती है, आप लोग ना संभाल बढ़िया होती है, वहाँ जाके बढ़ जाता है, हमने कईयों से सुना ना। सही बात है, हमने भी जो देखा है यहाँ से गाय आई हुई है, वो उन्होंने अच्छी केयर की है, तो उन्होंने रिजल्ट अच्छा मिला है वहाँ पे। तो ये 35 तक देगी। कौन सी ब्यांत की है ये? दूसरा ब्यांत है। दूसरे में जी? तो इसको सेक्सी में लगा देंगे? नहीं नहीं, नॉर्मल है। तो कब तक आएगी ये? 10 दिन लगी। ये तो उससे भी बढ़िया है, अच्छी सिलेक्शन है। अच्छी सिलेक्शन है। क्या गुण देखे इसमें आपने? उसकी लेंथ, उसकी हाइट और पहले का रिजल्ट हमने देखा थोड़ा, 35+ का इसका रिजल्ट है। 35 से ऊपर ही जाएगी? हाँ, 35 से ऊपर जाएगी ये भी। तो आप कितने लोग आए हैं? हम 4 लोग आए हैं। 4 लोग? तो आप? ये हमारे बुजुर्ग है, चलथान गांव के ही है। अच्छा, ये मेरा भाई है। अच्छा, और ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है, ये भी यही काम करते हैं? हाँ, उनके यही नॉलेज है, उनके पास गिर है हमारी लोकल नस्ल, 22 से 25 गाय है उनके पास, उन लोगों के पास। तो गिर का क्या दूध, क्या भाव बिकता हुआ? 60 रुपये लीटर। कितना? 60 रुपये लीटर। 60 रुपये लीटर महंगा बिकता है। ऐसे तो सिटी में जाएगा तो 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये भी जाएगा। हम लोग गाँव में लोकल ही दे देते, अड़ोस पड़ोस के लोग को तो 60 के हिसाब से देते हैं। ऐसे ही घी भी बनाते हैं? घी 2000 रुपये किलो जाता है। 2000? तो उसमें ज़्यादा मुनाफा है या एच एफ में? एच एफ में मिल्किंग ज़्यादा है ना? मिल्किंग ज़्यादा है, मिल्किंग पीरियड ज़्यादा है। क्यों, अगर आप सुमुल को देंगे तो उसी भाव लगाएगा वो? सुमुल नहीं लगाएगा ना वो, और तो एच एफ वाला ही भाव लगाएगा। हाँ, फैट के हिसाब से जाएगा। तो ये कौन सी ब्यांत की है? सेकेंड लैक्टेशन में है, बहुत अच्छी दाँत है ये, अभी 6 दाँत है। 6 दाँत करके? तो इसके जैसे कान भी छोटे हैं, वो भी बड़े हुए हैं, सारे गुण है, पेट पूरी है। सबसे अच्छा इसकी चमड़ी बहुत अच्छी है, बिल्कुल बारीक चमड़ी। इनकी समझ कैसी है?
इनको प्रॉपर पूरी समझ है। ये एक्चुअली पीछे भी दरबार समाज से हैं, शुरू से इनके पुराने पूर्वज गायें ही संभालते आ रहे हैं, घोड़े गायें, बहुत अच्छी नॉलेज है इनको। जो पहले इन्होंने गायें रखी है, बहुत अच्छा शेड बनाया था, फिर इन्होंने जो नया शेड बनाना था वो इनको मैंने डिज़ाइन दिया था, कुछ दोनों की समझ से बनाया। एक महीना पहले आए थे ये, विज़िट किया इन्होंने यहाँ पर, इनको मैंने सभी फार्म दिखाए थे, ब्रीड दिखाई थी, फिर इन्होंने उसके बारे में सोचा कि हाई मिल्किंग वाली गाय रखनी चाहिए। एक्चुअली इनका डेयरी से तो लोन 60,000 रुपये का ही है, हमें डेयरी से कॉल आ गई कि अमित भाई कुणाल भाई ने 12 गाय लेनी है, तो हमने इनसे कोई पैसा नहीं लिया, वो पैसा हमें डेयरी देगी 15 दिन बाद देगी, लोन का पैसा है। हाँ, ऊपर से इन्होंने अपनी जेब से 4 लाख 4.5 लाख खर्च किया है अच्छी गाय लेने के लिए। तो विजन अच्छा है, एक गाड़ी साइलेज की ली है, 30 टन साइलेज ली है, समझो 10 टन वाली गाड़ी भी आती है, 20 टन वाली, लेकिन सोच बहुत अच्छी है कि अगर गाड़ी बढ़िया ली है तो उसका फ्यूल भी अच्छा होना चाहिए। कितना लोन लिया फिर आपने? ये टोटल मिला के 7-20 का लोन हुआ जी, टोटल गाय का 7-20 का लोन हुआ, 7,20,000। 7,20,000 क्या ब्याज लगेगा उस पे? 8.5%। 8.5% तो दूध में काटेंगे? हाँ, दूध में काटेंगे। दूध में कितनी किस्त रखी उन्होंने? किस्तें एक्चुअली ये पूरा लोन एक पैकेज में है, 7-20 गाय का हुआ, 3 लाख वो सेट बनाने के लिए देते हैं अलग से। अच्छा। और उसमें 3 साल का इंश्योरेंस भी ऐड होता है। हाँ। और उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी है। कितनी है? सेट में 1.5 लाख रुपया है। अच्छा। और 3 साल का जो अपना इंश्योरेंस लगता है वो 66,000 का लगता है, और उसमें सब्सिडी 56,000 रुपया है। अच्छा, 56,000 बीमा में। और गाय का जो परसेंटेज ब्याज में वो टोटल माफ़ी, ब्याज माफ़ी टोटल 100% है, ब्याज माफ़ी 100% है। ब्याज माफ़ी 100% जी, मतलब जो 8.5% है वो सिर्फ नाम की बात है? वो नहीं, बैंक को अपना लोन पूरा मिलेगा। अच्छा। पर गवर्नमेंट सब्सिडी सीधा हमारे देगी आपको? गवर्नमेंट सीधा हमारे खाते में सब्सिडी डालेगी हर साल में एक बार। सब्सिडी कितना टाइम में उतर जाएगा जी? ये तो अभी 15 दिन का उसका काजगी प्रोसेस है, पर ये 5 साल की लोन है। नहीं, 5 साल का तो ये दिखा रहे हैं, क्या कहोगे इसके बारे में? ये खुद इब्राहिम की है सीमन, और आगे इसको ट्रॉय लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम में इसने 39 लीटर दूध दिया। राष्ट्रपति था अमेरिका? हाँ जी। उसका सीमन? नहीं, इब्राहिम हो सकता, उनके नाम पे रखा हो। अच्छा। US का ही है सीमन ये। अच्छा। बहुत अच्छा सीमन है, गाय बहुत अच्छी है, अडर बहुत कॉम्पैक्ट है। और भी 4-5 लैक्टेशन चले जाएंगे तो अडर नीचे नहीं आएगा। अभी कच्ची है गाय 15 दिन की, लेकिन अडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मिल्क वेन बहुत अच्छी है। और हमने सुना कि ऐसे सीमन आ गए हैं। हाँ जी। तो उसमें ऑर्डर नीचे जाता ही नहीं? जाता नहीं बिल्कुल। इनको गाइड किया है उसके बारे में कि जो आपके पास पहले भी गाय है ना, लंबे ऑर्डर है, तो आप बुकलेट पे चेक करके वो बुल सेलेक्ट करिए जिनकी बछड़ियों के ऑर्डर छोटे होते हैं, तो अपनी भी ब्रीड में सुधार कर सकते हैं पहली वाली गायों। कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ऑर्डर होता है, दूध देती है 20-25। हाँ जी बिल्कुल। कोई बिल्कुल छोटा सा होता देती है 40 लीटर। बिल्कुल, वो ब्रीड में दूध आ गया ना, ऑर्डर में दूध नहीं है, ब्रीड पे है। तो क्या दाम की है ये भी? 1 लाख के लिए। 1 लाख? हाँ जी। सारी 1 लाख? नहीं, कुछ कम ज्यादा वाली भी है। वन ऑफ द बेस्ट काऊ है ये, सभी गाय में से। उम्र में उनसे ज्यादा लगती है? नहीं, उम्र में बिल्कुल प्योर 6 दांत है। 6 दांत? हाँ, दांत दिखाऊंगा मैं आपको। ऑर्डर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये 50 लीटर दूध देगी गाय ये? हाँ जी। कब तक ब्याएगी? ब्या चुकी है। हाँ, आज सुबह ही ब्याई है। इसने मेल दिया, ब्रूट का सीमन लगा हुआ था, खुद ये डेनमार्क 40116 की। क्या कहता है आपका अनुभव, 50 लीटर दे देगी? हमने तो 35+ की गिनती है, समझो पहले संभल ले। हाँ। फिर उस पर दूध मिल्किंग पे जाएंगे। अच्छा। ना अमित भाई ने बोला है कि 50+ देगा। हाँ। ब्रीड तो सबसे बढ़िया है। इसने 41 दिया फर्स्ट टाइम पहले? हाँ जी, 41। हाँ जी। तो आज खीस कितनी निकाली? 10 लीटर थी सुबह। हाँ जी, अभी 20 लीटर खीस से स्टार्टिंग हुई है। मेल जो दिया है? हाँ जी। उसको कितना दूध पिलाया? उसको अभी तो 1.5 लीटर जितना पिलाया, ज़्यादा नहीं पिलाया, सुबह शाम को भी 1-1.5 लीटर ही पिलाएंगे उसको। अभी स्टार्टिंग में तो 3-3.5 लीटर पूरे दिन का पिलाएंगे। अच्छा। अगर इन्होंने बुल वो तैयार करना हो तो फिर उसको 6 लीटर दूध चाहिए पर डे का। हाँ जी, अगर बुल तैयार करना है तो वहाँ तैयार आप नहीं कर सकते?
इतना बुल तैयार करते हैं ना, इसको 6 लीटर पिलाना होगा बता रहे हैं। सही बात है। क्या काम करोगे इसका? हाई क्लैंट और फर्स्ट लैक्टेशन में उसका दूध पहला तो अच्छा रिजल्ट है। कितने दांत? अभी वो 4 दांत है। 4 दांत देखे आपने? हाँ, उधर से देख के लिए सब। तो उसने फर्स्ट में 38 अब सेकंड में प्लस में दिया है। हाँ। आपने सारी सेकंड वाली ली है? सेकंड में ली है, फर्स्ट में भी ली है। अच्छा। फर्स्ट में तो कितना देगी ये दूध? 45 अब जाएगी। 45 जाएगी वो। और पहले भी आपने कितना दिया इसने? 38 प्लस। अच्छा, वो पहले जैसे आप 50 बता रहे थे। हाँ जी। तो अभी ये 45 तक का बता रहे? हाँ जी। लेकिन ये ब्रीड में ये मुझे ज्यादा लगा, ये ब्रीड में ज्यादा है इस उससे भी। इसके ना जो ऑर्डर की पीछे से क्वालिटी है बिल्कुल फॉरेन स्टाइल की है। पीछे वाले थन छोटे है, ऊंचे है, आगे वाले लंबे हैं, थोड़ी ऐसे कुंडी आती पीछे से थन की। ऑर्डर चौड़ाई में जाएगा, बिल्कुल नीचे नहीं होएगा, बहुत चौड़ा हो जाएगा ऑर्डर, टांगे दूर दूर हो जाएंगी इसकी। पीठ बहुत अच्छी है, हाथ ऐसे रखना पड़ता है पीठ पे। अभी इसको 18 दिन बाकी है डिलीवरी पे। 50 कैसे कहते हैं जबकि ब्रीड इसकी ज्यादा? वो भी दूध वाली गाय है, इस बछड़ी ने भी दूध देना है। इनको दूध की अभी पता नहीं है, तो ये बछड़ी को खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। आप देखो इतना अच्छा फार्मर था, 2 गाय ली हमने, 1 2 दांत है, दूसरे बेहतर में है वो भी। सेकंड टाइम में 2 दांत में भी आई है, ये 4 दांत में सेकंड टाइम में भी आई है। इनको थोड़ा गाय को देख के डर लग रहा था कि पीठ बाहर निकलती है या कैसे। हमें इसकी ब्रीड की थोड़ा पता है कि क्या इसकी क्वालिटी है, कैसे है। अगर ये भी 4 दांत में 45 दे रही है, दांत पूरे हो जाएंगे तो 50 क्रॉस करेगी ये भी बछड़ी। ये क्या दांत? ये लिया 1,10,000 की, एक्चुअली जोड़ी लिया। तो ये 4 दांत में है, सेकंड लैक्टेशन। सेकंड लैक्टेशन पहले जो है अदंत पे आ गई, अदंत पे आई। इसके साथ वाली भी अदंत पे आई थी, लेकिन वो अभी 2 ही दांत हुई है। 1,10,000 रुपए। 10,000 बढ़ा दिया? नहीं बढ़ाया, कम वाली बात नहीं है, गाय बहुत अच्छी है ये। तीन पीढ़ियों के बाद फिर क्रॉस खत्म हो जाता है। इम्पोर्टेड की 3 पीढ़ी आ जाए फिर क्रॉस खत्म हो जाए। क्या दाम की है ये? 90,000 की है, अभी कच्ची है 1 महीना। यही बछड़ी है जो मैं कह रहा था, 2 दांत में और दूसरी बार डिलीवरी हुई है। कितना दूध देगी? फर्स्ट टाइम में 30 दिया है। 2 दांत में दूसरी बार है? दूसरी बार है। इतनी जल्दी कर गया फार्मर? हाँ जी जल्दी हो गई, जैसे 10 महीने की 9-10 महीने की बछड़ी। अच्छी ग्रोथ वाली हो जाती है, जिसकी संभाल अच्छी है ना वो हो जाती है। थोड़ा ये फर्क पड़ता है, जैसे इसकी ब्रीड अच्छी थी तो कम टाइम पे करवाई ना उन्होंने, इसलिए 30 पे ही रुक गई, नहीं तो ये बछड़ी पहली बार में 35 प्लस जाती है। अभी 35 प्लस जाएगी। जल्दी पहली ब्यांत लेने का मतलब ये है कि दूध नहीं बढ़ेगी? दूध नहीं हो जाता है सर, फर्क पड़ता है। थोड़ा बॉडी वेट पे तो करते भी जानते हैं। हाँ थोड़ा जानते हैं, थोड़ा जानते हैं। अच्छा। थोड़ा वेट वेट तो बॉडी बढ़ेगा तो उसके बाद हरा चारा फिर कहाँ से मिलता आपको? हमने पूरा अपना नेपिया डाला हुआ है, सुपर बुलेट जो हमारे यहाँ प्रोवाइड है, और उसके साथ हम चुनी देते हैं साथ में सूखा चारा, वो मिला के रस्सिया बनाया हुआ है। कितनी कटाई लेते हो नेपिया की? 4 से 5 कटाई होती है, अभी तो हमारा सेकंड टाइम है। तो कितना यूरिया डाल देते हो? यूरिया तो फर्स्ट टाइम डाला था, अभी इसका गोबर वोबर वही उसमें डाल रहे हैं। यूरिया 1 एकड़ में 2 बूंदी डाली थी, 100 किलो। जितनी दिखाई है सारी बड़ी हाइट में है, सारी और सारी फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड में। और दूध भी 40 से ऊपर, 35 से, 35 से ऊपर है। इसका कितना होगा? इसका 40 प्लस लेगा। इसका 40 प्लस? पहले में 38 प्लस दिया है। अच्छा, अमित भाई ने बोला 45 प्लस देगी, हमने पहले में दिया तो दूसरे में तो बढ़ेगी, बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छी खुराक अच्छी होगी? हाँ खुराक अच्छी है इनकी। इन्होंने फीडिंग भी अच्छी ले ली है, साइलेज भी 30 टन लिया है, तूड़ी भी लिया है, घर पे भी सुपर नहीं पी रहा। अच्छा प्रोटीन लेवल 17-18% होता है उसमें, 40 से ऊपर जाएगी। नेपियर में कितना होता है जो इन्होंने लगाया या क्वालिटी, उसमें मे बी 18-19% है। 18% है। तो इसका क्या दाम है? इसका 95,000 है। 95? हाँ जी, कच्ची के कारण कम मिले, गाय अच्छी है। कितना दाम है इसका? अभी 1 महीना बाकी है। हाँ जी, खुद ये पैराडाइज की है, आगे ट्रॉय लगा इसको, बहुत अच्छे फार्मर की गाय। हाँ जी 1 महीना ले लेगी, एक्चुअली इनकी डिमांड ही थी कि 15-20 दिन 1 महीने तक कच्ची गाय लेनी। ऑर्डर बिल्कुल नहीं आएगा नीचे, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं नॉर्मल लगा है।
कद छोटा आ गया पहले से? मीडियम है, छोटा भी नहीं बोल सकते। हाँ नहीं, मीडियम में आ गया। डेनमार्क की है, से भी ऊपर ही है, लेकिन उतनी हाइट नहीं, उतनी हाइट नहीं। तो ये प्रेग्नेंट है? प्रेग्नेंट है। कितनी देर? इसको भी एक महीने के आसपास ही रहता है। तो कितना दूध देगी? दूध ये भी 35 प्लस करेगी। कम देगी? कम देगी थोड़ा उससे, बाकी गायों से। सेकंड में? सेकंड में प्योर दूध कम देगी, दूध थोड़ा कम देगी। ये क्या दाम की है फिर? ये 90,000 की, 90,000 की। तो इतनी छोटी तब भी 5,000 ही घटाया तुमने? नहीं, ये एक्चुअली ना तीन चार गायें इकट्ठी ली थी। हाँ। तो खुद से ही डिवाइड किया आपने से, लाख वाली को 5 ऊपर मान ले या 90 वाली को 85 मान ले, ऐसे है। गायें बहुत अच्छी है, कॉम्पैक्ट है। अब जितना दूध इनके पास होता था पहले, हाँ जी, पहले 25-30 वाली थी इनके। हाँ जी बिल्कुल जी। अब जो है 40-45 वाली हो गई। हाँ जी बिल्कुल, दुगना हो जाएगा? होएगा, हो जाएगा। दुगना की तो गारंटी है मेरी। HF और भैंस के पालन में क्या फर्क है? फर्क तो है क्या? ये पक्का व्यापार है। हाँ। उसको कच्चा भी बोलते हैं। पक्का कच्चा क्या होता है? मतलब ये ठोस व्यापार है। इसके दूध की मतलब ये नहीं है 23 रुपए में बिकेगा, 25 में बिकेगा। हाँ। 28 में बिकेगा। ये इसके दूध की डिमांड है, इसका रेट है। क्या रेट है? कम से कम 60-55 रुपए। तो ये कहाँ के लिए? ये भी गुजरात में ही जा रही है, इनके बाजू में ही है गांव उनका। अच्छा। उलपाड़। वो खुद नहीं आए? खुद नहीं आए। ये कौन सी ब्यांत की है? ये दूसरा ब्यांत है। ये तो बुढ़ी लग रही है। नहीं नहीं, प्योर दूसरा ब्यांत है, हाइट है। उसके सींगों से पता चलता है? नहीं नहीं नहीं, प्योर दूसरा ब्यांत है। तीसरे चौथे की होगी? नहीं नहीं, तीसरे चौथे की नहीं, दूसरे की है। वो मान गए? मानेंगे, अपने पे विश्वास करते हैं वो बहुत ज्यादा। विश्वास तो हम भी करते हैं, फिर हम गलत भी नहीं करते। ऐसी बात सही भी नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसी कभी शिकायत तो नहीं आई है। कितना दूध देगी है? दूध समझो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे। हाँ। तो देगी ये 18 लीटर। अच्छा। अगर हम पॉजिटिविटी में जाएंगे तो 20 लीटर दूध देगी पूरा। इतना आसान है? इतना आसान ही है जितना इसका बॉडी वेट है, जो रिकॉर्ड है। ये हरियाणा की भैंस है। तो पंजाब की अच्छी नहीं है? पंजाब की बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्पेशल खरीदी की गई है, भैंस की डिमांड थी बंदे की। हाँ। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत पुराना, पापा के टाइम से। तो ऐसे बातें करे से कपड़े का व्यापारी करता? नहीं नहीं, कपड़े का व्यापारी। पॉजिटिव अच्छी भैंस है, जानवर अच्छा है, दूध 16 लीटर दे देगी? मैं क्या 18 लीटर देगी? हमारी गारंटी होगी? मेरी गारंटी रहेगी। उससे बात करवाओ। हाँ करवा लेते। क्या दाम की है ये? 1,30,000 की। 1,30,000? हाँ जी। और ये खुद हरियाणा में जाके खरीदी करते तो 1,70 की भैंस है ये हरियाणा में। तो वो 1,00,000 की गाय खरीदता तो 40 लीटर दूध मिलता, अभी 18 ही मिलना। ऐसे है ना, ये दूध की मार्केट है, आपके दूध की क्या मार्केट है? एक भाई साहब आया बोलते मैं घीर का बेचता हूँ। एक ने शुरू किया मैं HF का। जो सामने आपकी मार्केट है दूध की, उसके ऊपर डिपेंड। फिर ये बीमार नहीं होती, जैसे ये तबेले वाला बिजनेस है, वो फार्म वाला बिजनेस है। भैंस वैसे आराम से कम घूमती है? हाँ जी। कई बार तो ज्यादा उछलकूद में जाती है, कम नहीं। जो चात वाली भैंस है वो ठंडी रहेगी। अब जैसे नीली रावी है, उसके तो प्रेग्नेंट कोई हाथ फेरी जो वो पैर नहीं उठाएगी। ऐसे इनकी भी जात पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। इसमें भी मुर्रा वाले लक्षण है? 90% मुर्रा वाले? नहीं बिल्कुल, मुर्रा भैंस है 90%। हाँ 90% खाली। कौन सी ब्यांत की है ये? तीसरे, तीसरे में हमने ना पैर तो इसके इतने बड़े बड़े हाथी जैसे। बिल्कुल नहीं बड़े, भैंस ही बहुत बड़ी है और बिल्कुल ब्रीक है, ब्रीक चमड़ी की। उसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसी चमड़ी नहीं है बॉडी पे। एक साल दाना खाएगी जाके डेयरी में तो अगली बार कुछ और ही भैंस बन जाएगी। तो अब ये तो 6 साल की होगी? हाँ जी होगी। तो अब इसने क्या? 6 के ऊपर ही होगी एज। नहीं शरीर बनेगा इसका, जो अभी इसकी बॉडी है ना, इस पे चमड़ी नहीं है, फैट नहीं है बॉडी पे। वो जो पहले जो दिखाई थी? हाँ जी। वो ब्याह गई है? हाँ जी ब्याह गई। क्या दिया उसने? उसने फीमेल का। फीमेल दिया? हाँ जी। पाड़ी है? तो पाड़ी है। हाँ जी। अभी 8 दिन हुए हैं उसको ब्याई को, 15 लीटर दूध अभी रेडी है उसका। वो भी 12 बता रहा था? नहीं उसका 15 लीटर दूध रेडी है, 12 नहीं बताया इसने। तूने बताया नहीं 12? मैंने ये बोला है कि 14-15 रेडी है। अच्छा। हाँ बाजार से निकल के मंडी से आई है। मंडी से आई है वो भैंस। जब मंडी से भैंस आती है तो एक बार भैंस टूटती है, नीचे आती है, फिर दोबारा भैंस को बनाना पड़ता है। 18-20 अगर ना जाएगी फिर पैसे वापस कर दो? बिल्कुल कर देंगे पैसे, कोई दिक्कत। पैसे आने ही बाद में है। बाद में मुंह करके बोलो। जो गायें हमने दी है ना पहले सूरत में, उनके पैसे भी 15 दिन बाद आने हैं। इनके दूध देगी तो पैसे आने हैं। ये वर्दी पे जा रही है भैंस, ये ऐसे नहीं जा रही। इसका क्या दाम है? इसका भी 1,30,000 है।
एक पे मीटर रख दिया, कितना दूध देगी है? ये भी 18-20 लीटर दूध देगी। 18-20? हाँ जी, 14-15 रेडी है इसको। ब्याना है, ब्याई हुई है? ब्या गई है। क्या दिया? इसका मेल काफ है। बदल देते हो? नहीं बदलना क्यों, पहली का फीमेल है, इसका मेल है। चार भैंसे है, दो के फीमेल है, दो का मेल है। वो बुवारियों घुमाने ले जाते हो, बाद में बदल देते हो गाय? नहीं बदलने की, हमने बदल के रख के क्या करनी है? वो शिकायत एक आई है कि तुम्हारे किसी भाई बंधु की, हमने गाय नहीं बदली होगी, हमारी नहीं आई होगी। तो तुम नहीं तो है, तो तुम्हारी कैटेगरी की? हाँ जी, कोई हो गए जरूर, वो उनकी सोच अलग है। पैसा बिल्कुल कहीं नहीं, वो गलत जगह ही लगेगा, अच्छी जगह नहीं लगेगा ऐसा पैसा। ये उन तीनों से पली हुई है, है ना? ज्यादा उस उनकी हाइट है। हाँ। ये मीडियम में मजबूती बहुत है। ये क्या दाम की है? ये 1,15,000 की है। 1,15,000 की? तो ये सस्ती हो गई। हाँ जी। तो कितना दूध देगी ये? 16 लीटर। 16 लीटर? हाँ जी, 8 लीटर एक दो लीटर में। हाँ जी, 15,000 का फर्क पड़ेगा। नहीं, 2 लीटर या लीटर का फर्क नहीं है, पहले तो मेरी काउंटिंग है, आपकी काउंटिंग है। मैं कौन सा वो इतना एक्सपीरियंस होगा? अंकल जी, मेरे पास एक पाड़ी खड़ी है, अभी प्रेग्नेंट भी नहीं है। हाँ। वो 1,00,000 के ऊपर आज उसकी कीमत है। वो ऐसी क्या खासियत है? वो मैं अभी दिखा देता हूँ वीडियो पे, रिंग सींग है, हाइट है। ये 4th में होगी शायद। अब हटो, दिखाओ। हाँ जी, फार्मर ने 3rd बोला, ये 4th में होगी हमारे, मेरे आईडिया से। 5th में भी हो सकती है? नहीं, इतनी पुरानी भैंस नहीं है, बराबर चल रही है। देख तो लो उसका थन। नहीं, थनों का आकार ही ऐसे है, फार्मर ने 3rd बोल के दिया है। हाँ। मेरा गैस है कि 4th में हो सकती है। ये मत समझो कि तुम दो लोगों में अकेला हूँ तो मेरी बात दबा लोगे। नहीं, आपकी नॉलेज ज्यादा है, हमारे से जानकारी ज्यादा है। सिंह बहुत बड़े बड़े। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। सिंह कौन सी बात की है? 2nd या 3rd में होगी। 3rd में होगी। 3rd में। उम्र कितनी है? उम्र इसकी 5-5.5 साल। व्यापारी को तुमने दूसरे की बोला होगा? नहीं, अभी हमने बात ही नहीं की कुछ, हमने दूसरे तीसरे नहीं, ये दूध अब उसने खरीद ली है तो उन्हें भेज दी है। हाँ जी, देखी होगी वीडियो उसने। वीडियो देखी है उन्होंने। हाँ। हमने बेहतर की कोई, ये अंकल जी थाप पे जा रही है, थाप या वर्दी क्या होती है। हाँ। हमने इन भैंसों की 16 लीटर उनके घर पे मिल्किंग करवानी है उनके घर पे मिल्किंग करानी, फिर हमें पैसा मिलना है इन भैंसों का। तब ऐसे नहीं मुंह हिलाई जा रहे इतना। तो अगर नहीं करो फिर नहीं मिलेगा? फिर नहीं मिलेगा, वापस आ जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। काट होती है फिर? काट कितनी काट हो जाएगी फिर? मतलब अगर मान लो हमने 16 बोला, 14 निकलेगा तो 10,000 रुपया कम होगा। अब तुम कितनी काट मान करके सौदा किया तुमने? हमने 1 रुपए की नहीं मानी, हमने अपने विश्वास पे भेज रहे हैं। मुनाफा इसमें दोबारा ऑर्डर आएगा। क्या दाम है इसका? इसका 1,28,000। 1,28,000 गई है? हाँ जी, ब्याह गई है। तुमने रेट फिर बढ़ा दिया? ऐसे होता है अंकल जी, भैंसों में इसकी अगाड़ी बहुत है, भैंस की कम से कम 4 लीटर दूध इसकी अगाड़ी में है, अगले दोनों थनों में। नहीं तो भैंस के होता है आगे दूध कम होता है, पीछे ज्यादा होता है। ये गाय की तरह इसका आर्डर है, दूर दूर जगह। हाँ जी, फैंट कितनी होगी? फैंट अभी तो होगी ताजी भी आई है, 6.5-7 के आसपास, 6-6.5। हाँ जी, फैंट कितनी हो जाती है? दोबारा जब प्रेग्नेंट रहेगी 6 महीने की, 8-9 पे भी चले जाती है। किसी भैंस की फैंट मैक्सिमम कितनी हो जाती है? 10 तक चली जाती है। हमने सुना 14 भी हो जाती है। नहीं, वो पता कैसे होती है, वो जब दूध पे छोड़ रहे होते हैं ना, ड्राई कर रहे हैं, वाकड़ी भैंस तब होती है।